अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कोई भी सिंपल और रेगुलर डिश कोई शेयर नहीं करूंगी, बल्कि ऐसी डिश शेयर करूंगी जो यहाँ यूएई में बहुत ज़्यादा फेमस है। बल्कि फेमस क्या, यहाँ के लोग बहुत शौक से खाते हैं और बहुत ही सिंपल और टेस्टी होती है। बल्कि अब हमारे यहाँ के पाकिस्तानी भी इसको बहुत पसंद करते हैं। बल्कि हमारे पाकिस्तान में भी अब काफ़ी जगहों पे ये मिलने लगी है। बल्कि अब तो लोग अपने घर में कोई भी इवेंट हो तो इसको बनाना पसंद करते हैं। तो चलें, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ शाम का वक्त है, आधी प्रिपरेशन मैंने पहले ही करके रख ली थी, तो बस मैं चाय बना के लेकर आई। साथ में मैंने कुछ इतना हैवी नहीं करा, तो मैंने कहा बस एक प्लेट थोड़े से फ्राइज बनाऊंगी ताकि बच्चों का पेट एकदम ना भरे। और वैसे भी ये मंदी लाइट ही होती है, तो बस चले मंदी बनाने की रेसिपी नोट कर ली। यहाँ जब मैं किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि एक से दो चीज़ें अभी प्रिपेयर हो जाएँ, क्योंकि जब आप मैरिनेशन का काम करते हैं ना, तो फिर ये होता है कि एक साथ दो तीन काम निपटा लें और फिर आपको भी इजी हो जाता है कि अगर आप ये सब चीज़ें पहले से करके रख लेते हैं तो आपको एक साथ दो चीज़ें मिल जाती हैं। ये मैंने वीडियो एक दिन पहले शूट की थी, क्योंकि ज़ाहिर है चिकन को अंदर तक मैरिनेट करने के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए होता है, और अंदर तक उसके जो मसाले होते हैं और फिर उसको जूसी करने के लिए, तो कोशिश ये करें कि एक आध दिन पहले ही उसको मैरिनेट कर लें। तो यहाँ मैं डेली चिकन जो मैं बच्चों को मैरिनेट करके देती हूँ मॉर्निंग में, तो मैं साथ साथ उसको भी प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि मुझे मॉर्निंग में उसको मुश्किल ना हो। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसकी रेसिपी मैं पहले बता चुकी हूँ और यहाँ पे ये इतना क्लियर नज़र आ भी नहीं रहा है, तो कोई मसला नहीं, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में भी जा के देख सकते हैं। इस रेसिपी को आप अपनी डेली जो रूटीन में, कभी आपके यहाँ दावत है या वीकेंड पे है तो आप इसको बनाएं। आप यकीन करें आपकी फ़ैमिली में सब आपकी तारीफ़ करेंगे। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा इसको अपने स्पाइस के हिसाब से बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो लोकल डिश ये मंदी मिलती है बिल्कुल आप यकीन करें सिंपल होती है। ऐसा लगता है कि यखनी वाले चावलों में सादा, देखने में कलर बहुत अच्छा आता है लेकिन जब आप खाएं तो आपको उसमें टेस्ट नहीं लगता, नमकीन बस चिकन लगती है। और जो हम लोग आम अपने रूटीन में टमाटर और धनिया पुदीने की चटनी बनाते हैं जो मटर चावल और तायरी के साथ होती है, तो ये लोग उसको डाल के उसका थोड़ा फ्लेवर उठाते हैं, तो मुझे इतना बस सही लगी है। लेकिन बस ये कि एक दफ़ा खाने के बाद ये नहीं कि आप बार बार खाने जाएं। तो यहाँ हम थोड़ा सा अपना पाकिस्तानी स्टाइल में यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं। जब भी बाहर जाओ, कभी अगर मेरे हस्बैंड मंदी का कहते हैं ना, तो मेरे बच्चों का सबसे पहला जवाब यही आता है कि नहीं मंदी नहीं खानी हमने, कुछ और बिरयानी खिला दें बिरयानी। तो बस थोड़ा सा ये कि अगर आप स्पाइस आपकी फ़ैमिली में पसंद है तो आप इस रेसिपी से बनाएं। आप यकीन करें आपकी फ़ैमिली में ये यूनिक डिश बहुत अच्छी पसंद आएगी, और आप अगर अपनी डिनर गेट टुगेदर में भी रखेंगे तो आप यकीन करें सब आपकी तारीफ़ करेंगे। और बस इसमें मैरिनेशन का ही है कि आप एक दिन पहले कर लेंगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा, और सिर्फ आपको सिर्फ चावलों का ही रहेगा। और ये मैं ओवन में करूँगी तो इतना पकाने का झंझट भी नहीं रहता। तो यहाँ मैं ये दो बड़ी चिकन ले रही हूँ, यहाँ ये बड़ी आसानी से मिल जाती हैं मुर्गियाँ स्किन वाली, वहाँ तो आपको पता है बहुत मसला होता है पाकिस्तान में। यहाँ मैं तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच मैंने पिसी हुई काली मिर्चें यूज़ करी हैं, 1.5 चम्मच के हिसाब से मैंने इसमें नमक लिया है, क्योंकि नमक अंदर तक चला जाए तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा लिया, बाद में मैं थोड़ा चख भी लूँगी। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच लहसुन पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर, साथ में मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि धनिया पाउडर की भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1 से आप थोड़ा ज़्यादा कर लें, क्योंकि मेरी 2 मुर्गियाँ हैं तो मैंने 2 के करीब डाला है, तो आप 1 बड़ा चम्मच तो भर के ज़रूर डालिएगा। साथ में मैंने इसमें गरम मसाला ऐड करा है 1.5 टेबल स्पून, अगर आपकी 1 चिकन है तो आपके लिए 1 टेबल स्पून से कम इनफ रहेगा। साथ में मैंने पिसी हुई लाल मिर्च जो थोड़ी स्पाइसी होती है वो जो यहाँ लोकल मिलती है, तो ये मैंने लिए। आप चाहें अगर आप मिर्च पसंद नहीं करते लेकिन इसको कलर देने के लिए आप पेप्रिका भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसका कलर बहुत अच्छा आता है, थोड़ी सी क्रिस्टली, क्योंकि थोड़ा सा इसमें स्पाइस अच्छा आता है। आपको पता है चिकन वैसी फीकी होती है, अंदर जूसी नहीं होती, तो थोड़े से स्पाइस ऐड करने से इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा। थोड़ा सा अंदर से इसको सॉफ्ट बनाने के लिए आप इसमें विनीगर ऐड करें, मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने विनीगर ऐड करा है।
क्योंकि विनीगर से काफ़ी अच्छा फ्लेवर हो जाता है, और थोड़ा कहना चाहिए आपकी जो मुर्गी होती है वो सॉफ्टनेस की तरफ चली आती है। एक टेबल स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर इसमें डाला है। ये तमाम स्पाइसेस आप मुर्गी में ऐड करते जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ मेरे पास थोड़ा दही भी रखा हुआ था तो मैंने सोचा मैं ये भी इसमें डाल दूँ, क्योंकि थोड़ी सी अगर चिकन के साथ ग्रेवी हो तो खाली चावल के साथ आपके कहते हैं ना हलक में नहीं फंसते, तो ग्रेवी होने से काफ़ी अच्छा आता है। तो हम लोग जो इसकी ग्रेवी होती है, जो इसका जूसेस होते हैं, ग्रेवी होती है, वो हम लोग ऐसे चावल में मिक्स करके खाते हैं। आप यकीन करें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस ये मैंने तमाम स्पाइसेस इन मुर्गी के ऊपर डाल दी हैं, और अब ये है कि बस थोड़ा सा आपने इसको अच्छी तरह इसकी मालिश जैसे कहते हैं ना, अच्छी तरह मैरिनेट करना है इसको, खूब अच्छी तरह अंदर से बाहर से खूब अच्छी तरह, क्योंकि स्किन होती है अंदर तक नहीं जाता। तो आप कोशिश ये करें कि 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह, एटलीस्ट 5 मिनट्स तो आप इसको करें, अच्छी तरह इसको आप इसके अंदर लगा दें, क्योंकि जितना अच्छा मसाला लगेगा उतनी मैरिनेशन आपकी अच्छी होगी। अगर आपको थोड़ा सा कलर पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा कलर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ जो मैंने मिर्च यूज़ करी है उसका कलर ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो मुझे नीड नहीं है इसमें कलर ऐड करने की। अभी तक तो मुझे नहीं महसूस हो रहा, लेकिन अगर मुझे लगा तो मैं, हो सकता है जब मैं इसको बनाने लगूँ तो थोड़ा सा मैं इसमें मिला दूँ, लेकिन अभी मुझे इसमें नहीं है। देखिए मैंने इसमें मुर्गी में कट भी लगा लिए थे, तो उन कटों में भी आप फिंगर से अच्छी तरह मसाले को करें, ताकि ये कि मसाला अंदर तक चला जाए। बस इसकी मैरिनेशन है ये, तो आप बल्कि अपने गेट टुगेदर में भी अगर बनाना चाह रहे हैं तो आप यकीन करें आप इसको 1 से 2 दिन पहले भी आप रख दें बना के मैरिनेट करके, और जिस दिन आपके यहाँ डिनर है, गेट टुगेदर है, या आपकी वन डिश पार्टी है, सिर्फ आपने इसको ओवन में डालना है और सिर्फ चावल की प्रिपरेशन करनी है। आप यकीन करें हर कोई आपकी इस डिश की तारीफ़ करेगा, क्योंकि बिरयानी पुलाव तो हर कोई बनाते ही रहता है। मंदी बना के आप चिकन मंदी बना के लेके जाएंगे या मटन मंदी, तो आप यकीन करें हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा और आपको ख़ुद भी बहुत अच्छा फील होगा। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मुझे पता है कि जब मैंने बनाई है तो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सबको बहुत पसंद आई और सब ने बहुत शौक़ से खाई। और माशाल्लाह ये दोनों चिकन पूरी ख़त्म हो गई थी, सिर्फ एक छोटा सा ही पीस बचा था, तो सबको बहुत पसंद आई थी। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि बच्चों की, फैमिली की पसंद के हिसाब से जो बच्चे पसंद करते हैं तो वो चीज़ बनाएं। और स्पाइसेस भी आपको पता है कि हर कोई अपनी फैमिली के हिसाब से ऐड करता है, कि कोई हल्का खाता है, हल्का पसंद करते हैं तो आप पेपरिका यूज़ करें, नमक मिर्च जो भी और मसाले हैं आप हल्का करना चाहें तो वो कर लें। तो ये देखें ये मेरे कितना अच्छी प्रिपरेशन हो गई है, मैंने एक बॉक्स में निकाल दी है इसको अच्छी तरह, और जितने इसके जो ग्रेवी टाइप मसाला था वो सब मैंने इसके ऊपर करके इसको अच्छी तरह टाइट बंद कर दिया है, ताकि ये एक रात पहले तक ओवरनाइट ये रहेगा तो बड़ा अच्छी सी प्रिपरेशन रहेगी। यहाँ पे मैंने दूसरे दिन का है, तो मैं यहाँ पर जो मैंने गाजरें कट की थी, यहाँ पे ये ऑरेंज गाजरें मिलती हैं, तो लेकिन ये कि अच्छी लगती हैं भी, लेकिन ये टेस्टलेस होती हैं, मुझे इनका फ्लेवर नहीं अच्छा होता। यहाँ मैंने ये ब्लैक किशमिश जो ईरान की होती है, ये किशमिश मैंने जो डाली, मेरे बच्चे मुझे पहले ही मना कर रहे थे कि मम्मा ये मत डालिएगा, तो आप ही कोई भी नहीं खाएगा, तो मैंने कहा मंदी में ये तो ज़रूर डलती है, इसी से लुक आती है। तो आप यकीन करें ये किशमिश और गाजरें तो खा ली बच्चों ने, लेकिन ये किशमिश सिर्फ मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही खाई है। तो बस ये दोनों चीज़ें मैं निकाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत कीजिएगा, हल्की सी क्रिस्पीनेस रहे गाजरों में, वरना ये है कि फिर वो बिल्कुल ही मेल्ट फॉर्म अच्छी नहीं आएगी। यहाँ मैंने 1 से 1.5 बड़ी प्याज ली है, क्योंकि चावल मैंने तकरीबन 4 प्याली लिए थे, तो वो मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। बस यहाँ मैं प्याज को लाल तो नहीं करूँगी, हल्का सा गुलाबी जैसे कहते हैं ना कलर चेंज, तो बस ये देखिए ये कलर चेंज हो गया है। तो बस मैंने इसमें पानी डाल दिया है, साथ में यखनी भी मैं जो मेरे पास चिकन की रखी हुई है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है अभी चावलों में, आप इसमें इलायचियाँ डाल दें, जो भी आपके पास हर्ब रखे हुए हैं मसाले हैं। और मैं थोड़ा सा इसमें लौंगे भी डालूँगी, क्योंकि लौंगों से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और अगर आपको जो लेमन होते हैं जो यहाँ लोकल स्पाइस में मिलता है ब्लैक कलर वाला,
तो मैं लेकर नहीं आई थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो ड्रॉप कर देती हैं, नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। ये देखिए ओवरनाइट करके जो मैंने चिकन रखी थी, कितनी इसकी प्यारी लुक आई है और बहुत खूबसूरत लग रही है। तो बस मैंने ट्रे के ऊपर शीट बिछाई, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ऑलिव ऑयल डाला। ऑलिव ऑयल डालना है मस्ट, डालिएगा, नहीं है फिर भी अगर काम चलाना है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि इन चीज़ों में जो लोकल हैं तो ये लोग ऑलिव ऑयल ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बस ये देखें, मैंने ये चावल मेरे भगार वाले बन गए, यखनी वाले जो मंदी वाले होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं ऊपर से फूड कलर डाल रही हूँ, क्योंकि जो मिल्क में करके डालते हैं वो बार दफ़ा बहुत हल्का आता है या बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो मैं इसको ऊपर से करके डालना मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है। थोड़ी बहुत जो ये गाजरें आप इसमें ऊपर से भी दम के वक्त डाल दें, उससे आपके चावलों में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और आप यकीन करें, अभी मैं जो इसको ये दम लगा रही हूँ तो इन चावलों की वैसी ही इलायची, लौंग और चीज़ों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें, ये यखनी में पक्के आपके चावल रेडी हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि जो कलर हैं वो आपस में मिक्स हो जाए, तो उससे उसकी लुक आ जाएगी। बहुत ज़्यादा कलर ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर अगर आप ऐड करेंगे तो वो बिरयानी की लुक देगा। यहाँ आधे घंटे में मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था, तो आप यकीन करें कि ये आधे घंटे में मेरी चिकन रेडी हो गई जितने देर में मेरे चावल बने। और मैंने ऊपर से इसको कवर कर दिया था, तो ये अपनी ही स्टीम में बना है। और इसका कलर देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इसको ऊपर से ग्रिल करा है। यहाँ मैं इसको बड़ी से थाल में इसको मैं डिश आउट किया है, ताकि बिल्कुल बच्चों को सबको ऐसी फीलिंग आए कि ये मंदी ही है। और प्रेजेंटेशन मस्त करिएगा, क्योंकि इसी से इसकी लुक अच्छी आती है। और किशमिश तो बस आप यकीन करें, इस दफ़ा मैंने डाली है, नेक्स्ट टाइम तो बस मैं कहते हैं ना छिड़काव करूँगी। ये वाली चिकन भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो इसका कलर आया है तो ये बहुत खूबसूरत आया है। दोनों की अलग खुशबू आ रही है, चिकन की खुशबू बिल्कुल तिक्का स्टाइल में और वैसी है जैसे हम यहाँ पे बाहर निकलो तो ग्रिल चिकन की आती है, और चावलों में से बिल्कुल सौंधे पुलाव जैसी आ रही है स्मेल, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। अब यकीन करें, बस बच्चे कह रहे हैं जल्दी निकाल लें आप। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।